सो आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और एक ऐसा वक्त था जब मेरी पूरी फैमिली की ज्वाइंट इनकम 10,000 रुपए महीने की थी. नाउ टुडे आई एम रनिंग 5 बिजनेसेस जिनका टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ प्लस है इन अ ईयर. हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मैं स्टॉक फाइनेंस और ट्रेडिंग स्किल्स की बात करता हूं. उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन से ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो मैंने पिछले 2 साल में क्रिएट किए हैं और उससे आप क्या सीख सकते हो, आप अपना ऐसे ही कोई बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिकली आई हेट शोइंग नंबर्स कि मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया. मैं कभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताता हूँ. बट सिंस न्यू ईयर इज कमिंग, आपका 2023 आने वाला है एंड आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद भी, एक मतलब बहुत बुरी कंडीशन से आने के बाद भी, आप अगर मेहनत करो, आप अगर एक डेडिकेशन के साथ काम करो तो यू कैन मेक इट पॉसिबल, यू कैन डू इट. नाउ ऑल दिस डजंट हैपन इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं हुआ. मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 साल में 5 सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट किए, बट रियलिटी में जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उसको बनने में कम से कम 6 साल लग गए. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ इनकम. माय फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज डे ट्रेडिंग और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब कुछ मिला के मेरा पहला सोर्स ऑफ इनकम बनता है. सो 6 ईयर बैक आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग. वो पहला दिन था जब मैंने ट्रेड किया था विथ 5,000 रुपीज. उस दिन से लेकर आज तक मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ. मे भी कुछ दिन में से जाता होगा, मे भी आप कोई महीना प्रॉफिट में नहीं जाता होगा, कोई आपका लॉस में चला जाता होगा, बट आई एम स्टिल ट्रेडिंग. एंड ट्रस्ट मी, ये एक स्किल डेवलप करने की वजह से मुझे लगता है कि बाकी के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हुए हैं, एक को छोड़ के जिसकी बात हम बाद में करेंगे. तो मोस्टली सोर्स ऑफ इनकम मेरे इसी के आसपास ही मूव करते हैं. नॉट ट्रेडिंग मोस्टली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 47% ऑफ माई टोटल इनकम. जो भी इनकम होता है उसमें 47% ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग की वजह से आता है. नाउ माई नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज समथिंग विच आई वॉजंट ट्राइंग टू क्रिएट. वो एक ऐसा था कि मतलब हो गया बस. जनरली होता ये था कि मैं जो भी सीखता था उस टाइम पे, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव था, जो भी सीखता था मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट के फॉर्म में डालता था कि मैंने आज ये ट्रेड लिया, मैंने आज ये ट्रेड लिया, मैं ये कल लेने वाला हूँ, ये सब पोस्ट के फॉर्म में जाता था. एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, उसको लोग पसंद करने लगे, उस पर लाइक्स आने लगे, उस पर कॉमेंट्स आने लगे, लोगों ने कहा कि और बताओ. तो देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई नॉलेज, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू किया. बैक इन डेज आई ऑल्सो यूज टू शेयर प्रॉफिट्स, बट उस टाइम पे कई ऐसी चीज़ें हुई, कई लोगों के मैसेजेस आए कि सर आपका प्रॉफिट देख के मैंने ट्रेड किया, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया. देन आई स्टॉप शेयरिंग प्रॉफिट और उसके बाद मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करने लगा और कुछ नहीं. नॉट टूडे आई एम हैविंग 128K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और वो सब सिर्फ प्योर नॉलेज प्रोवाइड करके है. मैंने कोई लालच नहीं दिया कि मैंने इतने पैसे कमाए तुम भी कमाओ, मैंने इतने कमाए तुम भी कमाओ, मेरा स्टूडेंट इतना कमा रहा है तुम भी कमाओ, कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है, आप रील्स जाके चेक करो, सब की सब प्योर नॉलेज है, कोई भी पैसे का लालच नहीं दिया गया उसमें. नाउ सिंस आई गॉट अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, तो ब्रांड्स स्टार्टेड कमिंग टू मी कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो. मेरे जो भी उनका प्रोडक्ट होता है या फिर स्टार्टअप्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट जो होता था प्रमोट करना होता था एंड उसके अगेंस्ट, उसके बदले वो पैसा दिया करते हैं. नाउ आई डू 1 or 2 प्रमोशन इन अ मंथ और उससे ठीक ठाक कमीशन आ जाता है, ठीक ठाक पैसा आता है. नाउ व्हाई आई ओनली डू 2 or 3 प्रमोशंस, बिकॉज सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं. कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि जिनको प्रमोट करना ही बेकार है, जिनको मैं खुद नहीं यूज़ करना चाहूँगा, जो एक तरीके से फ्रॉड होते हैं. तो वी डोंट डू दैट प्रमोशन. जो चीज़ अच्छी होती है, जो काम करने लायक होती है, जो इस्तेमाल करने लायक होती है, वी ओनली इंटरटेन दैट प्रोडक्ट्स. नाउ इंस्टाग्राम प्रमोशन अलोन कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ माई टोटल इनकम. नाउ द थर्ड वन इज पेड कोर्सेज. सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग और मैं ये नॉलेज शेयर कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि यार ट्रेडिंग सिखाओ मेरे को भी, मुझे भी बताओ कैसे होता है ये सब. तो देन आई स्टार्टेड माई पेड मेंबरशिप. अब देखो, लोग बहुत कहते हैं कि आप पेड मेंबरशिप क्यों चलाते हो, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे मिल जाते हैं तो आप पेड कोर्सेज क्यों चलाते हो. तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर यू ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो उसको डाइवर्सिफाई करो. जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, जब भी मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोज भी डालता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. जिन लोगों ने मेरी वीडियोज देखी होगी उनको पता है कभी भी मैं एक सोर्स ऑफ इनकम को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो. ओके, और अगर ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपका होता है तो वो और भी डिजास्ट्रस है. लेट से कोई एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है आपका, आपने 3 सोर्स ऑफ इनकम आपके पास, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम आपके 95% इनकम को कंट्रीब्यूट करता है. लेट से खुदा ना खास्ता वो एक चीज़ कल को डूब गई, अब आप क्या करोगे. सो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, ये माइंड सेट है अपना कि डाइवर्सिफाई करके रखो चीज़ें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करो. एंड दैट्स व्हाई आई वर्क अ लॉट
टू क्रिएट मोर सोर्सेज ऑफ इनकम, और दो एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम पांच के अलावा, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड बताऊंगा। नाउ पेड कोर्सेज कंट्रीब्यूट टोटल 19% इन माय इनकम। जो भी टोटल इनकम होता है, जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें 19% पेड कोर्सेज का कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ द फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इज अफिलिएट मार्केटिंग। तो यू मस्ट हैव सीन कि मैं कभी ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ जो यूज़ करता हूँ, वाले ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ, वो रिकमेंड करता हूँ, कोई और प्रोडक्ट है रिकमेंड करता हूँ, तो उससे मेरे को अफिलिएट कमीशन भी आता है, बट दैट इज़ नॉट टू बिग। तो मेरे टोटल इनकम में सिर्फ 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है, बट स्टिल इट्स समथिंग। ऑन द फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम इज माई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी फिक्स मीडिया। तो ये एक नया स्टार्टअप है हमारा, जिसको रिसेंटली 1 साल हुआ स्टार्ट हुए, और इसमें हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से अराउंड सब कुछ करते हैं। मतलब आप कह लो कि पूरा वन स्टॉप मार्केटिंग सोल्यूशन है। इन दिस मीडिया एजेंसी हम क्रिएटर्स की भी हेल्प करते हैं और ब्रांड्स की भी हेल्प करते हैं। सिंस मी एंड माई को फाउंडर बोथ आर क्रिएटर्स, तो हमें पता है कि कौन सी कंटेंट स्ट्रेटजी काम करती है, कौन सी कंटेंट स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, और किस चीज़ को आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया पे कैसी चीज़ें काम करती हैं, वी नो वेरी वेल। सो दैट्स वाई कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर जो स्ट्रगल कर रहा है अपने पेज को ग्रो करने में, या फिर अपने इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज, किसी भी पेज को ग्रो करने में स्ट्रगल करता है, तो वी हेल्प देम, वी प्रोवाइड अ कंटेंट स्ट्रैटजी टू देम। उनको हम कंटेंट स्ट्रैटजी बना के देते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ उनको पेड प्रमोशंस भी ला के देते हैं। एंड वी ऑल्सो हेल्प ब्रांड्स, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रांड्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पेज पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से वो वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रांड्स को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से अगर उनको किसी इन्फ्लुएंसर से भी बात करनी है फॉर प्रमोशन, तो वो भी हम प्रोवाइड करके देते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इन्फ्लुएंसर्स। तो दिस इज कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेज फॉर इन्फ्लुएंसर एज वेल एज ब्रांड्स। अब ये फिक्स मीडिया मेरी टोटल इनकम का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, विच इज गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर अ लॉट। नाउ दिस इज व्हाट आई डिड इन लास्ट 2 ईयर्स। अब आगे का प्लान क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहला प्लान है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू चैनल, जिसपे हम फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैनल ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा, और जो अपना नया चैनल बनने वाला है फाइनेंस के सिद्धांत, हम उस पर सब कुछ फाइनेंस के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी, एंड हाउ टू क्रिएट योर वेल्थ, ये सब कुछ उस चैनल पे डिस्कशन होगा। एंड द सेकंड प्लान इज टू इंक्रीज फिक्स मीडिया रेवेन्यू। फिक्स मीडिया को हम और बड़ा बनाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल टू बोथ क्रिएटर्स एज वेल एज ब्रांड्स। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पैसा रियली मैटर नहीं करता मेरे लिए, बिकॉज रिसेंटली समबडी आस्क कि आपका गोल क्या है, आगे 1 साल में 2 साल में कितना पैसा कमाने का गोल है। तो मेरा आंसर यही था कि देखो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा आज की डेट में, बिकॉज आई एम अर्निंग अनफ कि मेरा काम चल जाए, मैं आराम से रह रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लकली किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट अभी जो मेरे को चाहिए वो लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प करते करते अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है, पैसा तो अपने आप आएगा, दैट आई नो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नए चैनल फाइनेंस के सिद्धांत का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिंड कॉमेंट मिलेगा, प्लीज फॉलो करो उस पर। हम एक एक चीज बात करेंगे पैसे के अराउंड, कैसे पैसा बनाना है, कैसे पैसा बढ़ाना है, और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।